सब्सक्राइब कीजिए टेक इन इंसन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सब मोबाइल पर फेसबुक इस्तेमाल करते होंगे, मगर आपने कभी ये सोचा है कि फेसबुक और मैसेंजर दोनों मिलकर आपके मोबाइल की कितनी स्टोरेज कंज्यूम करते हैं? दोस्तों, ये दोनों ऐप मिलकर आपके स्टोरेज का 500 MB यूज करते हैं। अकेला फेसबुक के ऑफिशियल ऐप है वो करीब 300 MB का स्टोरेज ले लेती है और मैसेंजर ऐप 180 MB स्टोरेज कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल में स्टोरेज कम लगने लगता है और इन दोनों ऐप के कारण हमारा मोबाइल भी हैंग होता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी साइज सिर्फ 1 MB है और इसे इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ 20 MB की हो जाएगी, मतलब आप इस ऐप से फेसबुक और मैसेंजर दोनों का मजा लेने के साथ साथ 480 MB तक अपने मोबाइल का स्टोरेज भी बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ये कौन सी ऐप है, कहाँ से डाउनलोड करना है और इसके फीचर्स क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रशांत और स्वागत है आपको टेक इन्वेंशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए फैला। दोस्तों, सबसे ऊपर जो ऐप दिख रहा है फैला फॉर फेसबुक, इसे इंस्टॉल करना है। दोस्तों, एक बात है कि ये जो ऐप है कुछ दिन के लिए फ्री हो गई है, वैसे इसकी MRP 65 रुपये है। सो आप इसे जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि ये ऐप कुछ दिन बाद पेड हो जाएगी और आपको 65 रुपया देना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों, ये ऐप बहुत ही कमाल का ऐप है, इसके 10,000 से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुका है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी बढ़िया है, 4.0 की रेटिंग है। दोस्तों, ये ऐप इंस्टॉल हो चुकी है और इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो दोस्तों, जल्दी से मैं अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ। दोस्तों, लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। दोस्तों, इस ऐप की खासियत यह है कि आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप इसका थीम चेंज कर सकते हैं, फंट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फंट का साइज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर जो सेटिंग का आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद सबसे ऊपर कलर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे थीम दिखने को मिल जाएंगे, तो जो भी थीम आपको पसंद हो आप उस पर क्लिक करके उसे सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे ये वाली थीम अच्छी लग रही है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ओके करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा फैला ऐप है, ये पूरी तरह से कलरफुल हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर आप सिर्फ थीम ही चेंज नहीं कर सकते हो, यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर आप और भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर आप फंट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग स्टाइल के फंट भी मिल जाएगा, आपको जो भी फंट अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट कलर आपको पसंद आए आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, टेक्स्ट कलर आप ऐसा सिलेक्ट कीजिए जो आपको क्लियरली दिखाई दे। सो मैं यहाँ से ये टेक्स्ट कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप टेक्स्ट की साइज भी अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं, मैं यहाँ नॉर्मल ही रहने देता हूँ। उसके बाद आप टेक्स्ट के कॉर्नर में बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ ग्रू सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, अगर आपको डेटा सेवर का यूज करना है तो आप इस ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब सेटिंग होने के बाद यहाँ पर ऊपर जो सेव का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। दोस्तों, अब सारी सेटिंग अप्लाई हो चुकी है और जो मैंने जैसे कस्टमाइज किया था उसके मुताबिक ये ऐप सेट हो गया है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं अब मेरा फेसबुक दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ देख सकते हैं जो बॉर्डर ग्रू वाला सेट किया था वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दोस्तों, इस ऐप के और एक फीचर अच्छा यह है कि आप इससे फेसबुक के वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको वीडियो भी डाउनलोड करके दिखाता हूँ। दोस्तों, किसी भी वीडियो को डाउनलोड करने के लिए सिंपली उस वीडियो पर क्लिक कीजिए, ये वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस डाउनलोड का आइकन है उस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरा वीडियो डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों, इसकी डाउनलोड स्पीड भी काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों, ये वीडियो डाउनलोड हो चुका है और इसे प्ले करते हैं। तो दोस्तों, आप इस तरह से अपना फेसबुक को कस्टमाइज करने के साथ अपना स्टोरेज का काफी बड़ा हिस्सा भी बचा सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और टेक इन्वेंशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।